नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। विकास कार्य किए हैं और करेंगे डॉक्टर जावेद प्रधान प्रत्याशी। उत्तर प्रदेश बलिया जिले में डॉक्टर जावेद प्रधान प्रत्याशी शिवरामपुर ब्लॉक बेरू अरवारी ने बताया कि अगर जनता हमको बहुमत से चुनाव जिताती है तो गांव का विकास कार्य ऐसा करेंगे, गांव के प्रत्येक व्यक्ति की हर समस्या का निदान हेतु कार्य करेंगे, सड़क निर्माण कराएंगे, नाली पानी टंकी बनाएंगे, गांव में स्वच्छता बनाए रखना, ग्रामीण क्षेत्र में नालियों की साफ सफाई, गांव में दवाइयों का छिड़काव, साथ ही एनएम आशा वो टीका लगा रही या नहीं ये भी देखेंगे, गांव के सार्वजनिक स्थानों पर लाइट्स का इंतजाम करना, ग्राम पंचायत के सार्वजनिक स्थान जैसे मंदिर मस्जिद आदि स्थानों पर लाइट की व्यवस्था करनी होती है ताकि ऐसे स्थानों पर पर्याप्त उजाला रहे, ऐसा कार्य करेंगे। अपना परिचय बताइए। जी, मेरा नाम मोहम्मद जावेद अहमद है, मैं सुरामपुर निवासी हूँ, तहसील बांसडी, ब्लॉक बेरुआरवारी, जिला बलिया पड़ता है। जी, आप पूर्व प्रधान भी रहे हैं। जी, अपने पूर्व के कार्यकाल में आपने अपने जन सरोकार के लिए, अपने मतदाताओं के लिए, ग्रामवासियों के लिए क्या क्या, उनके हित के लिए क्या क्या कर किया? हमने अपने पूर्व कार्यकाल में इस गांव की जनता के लिए हर एक जो भी सरकारी फंड आता था उसका अच्छे से निर्वहन किया। हमने एक एक गली गली के अंदर खड़ंजा नाली सारा व्यवस्था हमने कराया। आज आप घूर के चारों तरफ देख लीजिए, मेरे गांव में एक बूंद भी पानी कहीं बाहर नहीं दिखाएगा, सारा अंडरग्राउंड पानी है। जितना भी हो सका हमने अपने उस सरकारी फंड से इस गांव के लिए इतना किया जिसका मैं पूरे गांव के लोग सराहनीय करते हैं, हम सराहना करते हैं और सराहनीय बने हुए हैं। आप विद्युतीकरण के क्षेत्र में भी कुछ किए? जी, हमारे यहाँ बहुत अच्छा विद्युतीकरण हुआ है, जो सरकारी फंड से मिला था वो भी हुआ है। RJJY के तहत हमारे यहाँ विद्युतीकरण हुआ है। गांव के अंदर जितने भी टूटे हुए तार थे सारे हमने चेंज करवा दिए बिजली विभाग से मिलकर के। शुद्ध पेयजल आपका इशू था? जी, शुद्ध पेयजल उस वक्त इशू नहीं था, हैंडपंप और नल का कुछ नहीं मिला उस टाइम। मिड डे मील व्यवस्थित चला? अरे उसके लिए तो हम, अब विद्यालय से पूछिए आप, जो हमने मिड डे मील चलवाया आज तक हमारा ये समझ है, हमारी ये सोच है कि हमने अपने से जितना अच्छा से अच्छा हो सका। मिड डे मील की हमारे यहाँ बहुत सराहना होती थी उस टाइम, बच्चे खूब आनंद से खाते थे और सभी लोग प्रफुल्लित थे। कोई नाली पुल पुलिया? जी नहीं, नाली और खड़ंजा कोल हमने कहा, पुल पुलिया कुछ नहीं। ऐसे गांव में मेरे घूर के चारों तरफ देखेंगे एक बूंद भी पानी बाहर नहीं दिखाई देगा। अब जब आप पुनः निर्वाचित होंगे तो आप अपने मतदाताओं के लिए क्या भावी योजना बनाए हैं? जी सर, हमने अपने ग्रामवासियों के लिए जो भी सरकारी फंड आएगा हम ये चाहते हैं कि घर घर आवास, घर घर लोगों का पेंशन, हारा हर कुछ हो जाए, जिसमें ये हो कि कोई ये न कहे। हमारे यहाँ 90% लाभार्थी है, 1-2% नहीं, 90% लाभार्थी है। और मैं चाहूंगा कि अगर पुनः निर्वाचित होता हूँ तो इन सारी समस्याओं का समाधान करूँ। सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं।